वैसे पतंजलि ने व्यक्ति को संपूर्ण जीवन जीने की, संपूर्ण जीवन को सुख में जीने की और संपूर्ण जीवन से अपने मानव से अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग का एक सूत्र दिया। ये सब जो अष्टांग योग के अलग अलग अंग हैं, इसमें एक अंग है आसन। आसन के द्वारा व्यक्ति अपने शरीर को सुदृढ़ करते हैं और आसन के द्वारा व्यक्ति अपने शरीर को स्थिर करते हैं। इन आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार वास्तव में इन समस्त आसनों का एक समुच्चय है। दस सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करने से मानव के अंदर बुद्धि से लेकर शरीर से लेकर और समस्त जो अंदर की जितने भी अपने अंग हैं और बाह्य अंग हैं वो सुदृढ़ होते हैं और स्वस्थ रहते हैं। लेकिन परंतु फिर भी सूर्य नमस्कार को बताया कि प्रतिदिन यदि आप करना चाहते हैं और 50 से अधिक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 13 बार अवश्य करें। इसके लिए एक शुरू में आपको एक सूत्र बोलना है और अंत में एक सूत्र बोलना है और उसके बीच में भगवान श्री सूर्य को नमस्कार करते हुए प्रणाम करते हुए 13 बार सूर्य नमस्कार करने चाहिए। मैं आज आपको यहाँ एक बार सूर्य नमस्कार करके बता रहा हूँ और सूत्र पूरे बोलता हूँ। सूर्य नमस्कार करने के लिए सूर्य नमस्कार स्थिति पे आना पहले सबसे पहले आवश्यक है। देखिए मेरे पाँव की तरफ, एक दो दोनों पाँव को मिला देंगे, हाथ तीनों हाथों को जोड़ लेंगे, ये कोहनी से बिल्कुल सीध में होने चाहिए हाथ। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार स्थिति है। अब इसके हम करते हैं, पहले सबसे पहले सूत्र बोलना चाहिए हमें। ध्येय सदा सावित्री मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजर्षण मकर कुंडलवान नमः। एक ये जो आसन है ये है ताड़ासन। शरीर को कितना हो सकता है सीधा रखें। दो पाद हस्तासन, दोनों हाथों को दोनों पांव के दोनों तरफ इस प्रकार से। तीन एक पाद प्रसन्नासन, जितना हो सकता है उतना दबाइए, गर्दन सीधी ऊपर और बिल्कुल पांव पीछे सीधा। चार दंडासन, शरीर सीधा एकदम सीधा। पांच दंडवतासन, माथा इस पर लगाइए, आप चाहे तो शरीर को टिका सकते हैं नहीं तो ऐसे रखिए। छह भुजंगासन, बिल्कुल भुजंग की तरह सीधा। सात अधोमुख श्वानासन, इधर आगे दिखाना बोला, एड़ी जमीन पर ठोड़ी छाती पर, ठोड़ी को छाती का लगाए एड़ी को जमीन पर लगाए। आठ जो पांव पीछे गया था पहले वो पांव आगे आएगा और एक बार हस्तासन पुनः होगा, दत्मादाय दबे और गर्दन ऊपर। नौ पाद हस्तासन पुनः, दस सूर्य नमस्कार स्थिति। अब इसके पश्चात आप ओम दवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणाय नमः, ओम हिरण गर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्राय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से 12 बार तो ये हुए और एक सावित्री सूर्य नारायणाय नमः, ऐसे करके हमें 13 बार सूर्य नमस्कार करने चाहिए। अंत में एक सूत्र बोल के इसका समापन करते हैं। आदितस्य नमस्कार है एक गुरुवंती दिने दिने आयु प्रज्ञा वलंबीर्यम तेजस्य सांस जायते।